हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो एनआरटीएस में, और आप जो एडमिशन का फॉर्म है वो कैसे फिल कर सकते हो। आपके सिंपल और इजी स्टेप्स होते हैं एडमिशन फॉर्म फिल करने के, आप खुद भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ता है, नारायण यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि u.edu.in है। आप क्लिक करके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। अगर आप डायरेक्टली एडमिशन के पोर्टल पे जाना चाह रहे हो तो admission.u.edu.in पे क्लिक करोगे तो आप एडमिशन की जो पोर्टल है वो आप हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो ये इंटरफेस आ जाता है, ये यूनिवर्सिटी एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें आपको बताते हैं और आपका स्टूडेंट पोर्टल जो है वो बनाते हैं। तो ये थी, तो अगर आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एक वर्किंग ईमेल हो, आपके पास वैलिड ईमेल हो जो आप यूज़ कर रहे हो, और उसके बाद जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एडमिशन पोर्टल पे ना जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ईमेल होना लाजमी है आपके पास। तो अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप अपने नाम की एक ईमेल बना दें, क्योंकि जो भी सारी क्यूरीज होती हैं, जो भी एडमिशन का प्रोसेस होता है वो ईमेल के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट हो जाता है। जैसे ही आप ईमेल बनाते हो तो और आप एडमिशन पोर्टल पे जाते हो, ये वेबसाइट पे जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको ऐसा इंटरफेस शो होता है कि एक्टिव अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, जो आपका सेशन होते हैं वहाँ पे यहाँ पे सेशन मेंशन किया जाता है। जैसे आप ओपन करते हो तो जैसे आप यहाँ पे आते हो तो आप अपने ईमेल आपको चाहिए, उसके बाद जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आप जो है अपने स्टूडेंट पोर्टल पे आप चले जाते हो, जिसका इंटरफेस ऐसा होता है जिसे आपको लॉगिन करने के लिए आपसे एक ईमेल मांगते हैं, उसके अलावा आपको पासवर्ड सेट करते हैं। फर्स्ट अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे रजिस्टर अकाउंट करेंगे। रजिस्टर अकाउंट करने के पास आपके पास कुछ इंटरफेस शो होगा, इसमें आपके साथ की कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लेंगे, जैसे नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड क्या रखते हो, आपके जो एनआईसी नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आपसे पूछेंगे। फिर आप रजिस्टर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो ईमेल के थ्रू आपको एक्सेस दी जाएगी कि आपका पासवर्ड ये है, आपकी ईमेल ये है, आपका अकाउंट यहाँ पे बन गया। फिर आप यहाँ पे अपने ईमेल रखेंगे, यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे, फिर लॉगिन करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है वो एडमिशन पोर्टल मतलब फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपका फॉर्म जो है डिफरेंट सेक्शन पे डिवाइड किया होता है, फिर आप सिंपली फॉर्म को फिल करते जाओगे। तो डिस्कस करते हैं कि फॉर्म के जो है वो कंसिस्ट होता है कितने डिफरेंट जो है वो फॉर्म का होता है, कि सबसे पहले आपकी आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपसे पूछा जाता है आपका नाम क्या है, आपका फादर नाम क्या है, एनआईसी क्या है, आपकी एड्रेस क्या है। और सेकंड पे जो पोर्शन आता है वो होता है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें आपकी बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल की आपसे कॉन्टैक्ट अगर मेरा एनआईसी करे तो वो किसके थ्रू कर सकती है, जिसमें आपका नंबर आ जाता है, ईमेल एड्रेस आ जाती है, एड्रेस आ जाती है, और यहाँ पे एक अल्टरनेटिव भी दिया जाता है कि अगर आप अनअवेलेबल हो या आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया जाए तो आप किसी और का नंबर दे, जैसे आपके भाई का या फादर का नंबर दे। उसके बाद इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका एडमिशन डिटेल, जिसमें आपका जो है वो एडमिशन के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी जो है मैट्रिक की मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट, कौन से ग्रुप से आपका हो, वो आपकी सारी जो यहाँ से आपको फिल करनी पड़ेगी आपके एडमिशन के, आपने यहाँ से किस बोर्ड से आपने जो है वो मैट्रिक किया है, इंटर किया है, कौन से सब्जेक्ट कौन से ग्रुप में किया है, आपकी मार्क्स कितनी थी, आपकी परसेंटेज कितनी थी, वो सारी डिटेल जो है वो एडमिशन से जो है पोर्शन में आपको फिल करनी होती है। उसके बाद जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं कि आपको कौन से फॉर्म फिल करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद ये है कि चालान फॉर्म फीस होती है उनकी, वो पे करने के बाद वो आपको उनको देते हो कि हमें एडमिशन फी टेस्ट की एडमिशन फीस फिल कर ली है। उसके बाद एनआईसी आपका खुद का या आपका खुद का पे फॉर्म, फादर का एनआईसी, एचईसी मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, अगर नहीं है तो आप होप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हो। सेकंड पे आता है एचईसी इंटर
आपकी जो मार्कशीट है डोमिसाइल के अलावा आपका होता है TRCSE फॉर्म। डोमिसाइल आपके डिस्ट्रिक्ट का होना लाजमी है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंटेशन है तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं और आपको जो है एंटी टेस्ट में अपीयर होने देते हैं। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर एक को फॉर्म फिल करने के लिए होनी चाहिए और आपको कि एक कॉपी भी आपको अपने पास रखनी होती है जो कि इंटरव्यू पे आपसे लेते हैं। तो ये थी कुछ रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स की जो हमने डिस्कस की। उसके अलावा फॉर्म के कितने सेक्शंस होते हैं ये भी डिस्कस किया। जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म जो वेरीफिकेशन चला जाता है, जब तक वो एडमिशन वाले आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं करते, चेक नहीं करते कि आपने सारी डिटेल सही लिखी है फॉर्म और आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं सही, तब तक वो आपका टिल वेरीफिकेशन होता है। जैसे ही वेरीफिकेशन का हो जाता है तो फिर वो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है और आपको एक स्लिप इशू कर देते हैं एडमिशन टेस्ट के लिए। और एडमिशन टेस्ट में जो स्लिप आपको देते हैं वहाँ पे सारी डिटेल आपको मेंशन की जाती है कि आपका टेस्ट जो इस टाइम पे इस एरिया में होना है, वो सारी डिटेल वहाँ पर मेंशन की जाती है। सो होप कि आपको समझा गया होगा कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं और किसे सारी डिटेल को फिल करते हैं वर्क में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।